वेलकम स्टूडेंट्स टू अवर यूट्यूब चैनल कविताज स्टडी अड्डा। स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे क्लास टेंथ साइंस का चैप्टर 12 विद्युत और इसके अभ्यास प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 11, यह दर्शाइए कि आप 6 ओम प्रतिरोध के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 9 ओम पहला और दूसरा 4 ओम प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट, दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में तथा इससे एक प्रतिरोधक को श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। यहाँ डायग्राम देखिए, ये हमने दो प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित किए हैं और एक श्रेणी क्रम में। यहाँ पर हमें 3 बिंदु मिले हैं, बिंदु ए, बिंदु बी और बिंदु सी। अब यहाँ पर हम ए बिंदु और बी के मध्य प्रतिरोध मान लेते हैं आर डैश है, तो 1/r इक्वल, ये दो प्रतिरोध हैं तो 2/6 हमारे को मिला, इक्वल 1/3, तो आर डैश का जो मान हमको मिला है 3 ओम मिला है। अब हम बिंदु ए और बिंदु सी के मध्य तुल्य प्रतिरोध देखेंगे तो हमको मिलेगा R इज इक्वल टू 3 ओम प्लस 6 ओम, जो कि चित्र में दिख रहा है। यहाँ से यहाँ तक का हमारा प्रतिरोध हमको 3 ओम प्राप्त हुआ है और ये वाला जो है इसका प्रतिरोध है 6 ओम, तो इसको हमने प्लस करा तो हमको मिला 3 ओम प्लस 6 ओम। तो AC के मध्य जो तुल्य प्रतिरोध था R इक्वल हमको मिला 9 ओम। अब प्रश्न का जो दूसरा हिस्सा है उसको सॉल्व करते हैं, सेकंड पार्ट, जिसमें दो प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में तथा तीसरे को उक्त संयोजन से पार्श्व क्रम में संयोजित करते हैं। अब इसका डायग्राम देख लेते हैं, यहाँ पर ये बिंदु ए है, इससे हमारे जो दो प्रतिरोध हैं वो कैसे जुड़े हुए हैं, ये श्रेणी क्रम संयोजन से जुड़े हुए हैं और यहीं से जो तीसरा वाला जुड़ा हुआ है ये पार्श्व क्रम संयोजन से जुड़ा हुआ है और ये बिंदु बी है, सभी के मान 6 ओम हैं। अब हम इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध आर डैश इक्वल, ये 6 ओम है और ये 6 ओम है, तो 6 ओम प्लस 6 ओम इज इक्वल टू 12 ओम। अब संयोजन का कुल प्रतिरोध ये देखेंगे तो हमें मिलेगा 1/r इक्वल 1/12 प्लस 1/6, ये वाला जो है इसको हमने 1/6 मिल गया और इनका जो हमने प्लस करा था तो हमको 12 ओम प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार से हमको मिलता है 1 + 2/12 इज इक्वल टू 3/12, इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको मिलता है 1/4, तो R इक्वल 4 ओम प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 12,
220 वोल्ट की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक 10 वॉट है। यदि 220 विद्युत वोल्ट की लाइन से अनुमत अधिकतम विद्युत धारा 5 एम्पेयर है, तो इस लाइन के दो तारों के बीच कितने बल्ब पार्श्वक्रम में संयोजित किए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, प्रश्नानुसार प्रत्येक बल्ब का अनुमतांक P1 इक्वल 10 वॉट विद्युत लाइन का विभवांतर V इक्वल 220 वोल्ट धारा I इक्वल 5 एम्पेयर। माना कि बल्बों की संख्या I इक्वल 5 एम्पेयर सॉरी संख्या N है, तो बल्बों का कुल सामर्थ्य P इज इक्वल टू NP1 या 10 NW होगा। कुल सामर्थ्य P इक्वल VI ओम के नियम से, तो ये हमको मिल जाएगा 10 N इक्वल 220 इंटू 5 वॉट। तो N इक्वल निकालेंगे हम 220 इंटू 5 N निकालेंगे 220 इंटू 5 अपॉन 10 इक्वल 110 बल्ब। अभिष्ट बल्बों की संख्या N इक्वल 110 होगी। क्वेश्चन नंबर 13, किसी विद्युत भट्टी की तप्त प्लेट दो प्रतिरोधक कुंडलियों A तथा B की बनी है, जिनमें प्रत्येक का प्रतिरोध 24 ओम है, तथा इन्हें पृथक पृथक श्रेणी क्रम में अथवा पार्श्व क्रम में संयोजित करके उपयोग किया जा सकता है। यदि यह भट्टी 220 वोल्ट विद्युत स्रोत से संयोजित की जाती है, तो तीनों प्रकरणों में प्रवाहित विद्युत धाराएँ क्या होंगी? 13 क्वेश्चन नंबर, प्रश्नानुसार आर ए मतलब कुंडली ए का प्रतिरोध बराबर आर बी मतलब कुंडली बी का प्रतिरोध इक्वल आर हम मान लेते हैं, और ये है 24 ओम। विभवांतर वी इक्वल 220 वोल्ट। माना कि समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध आर एस है, तथा समांतर क्रम मीन्स श्रेणी क्रम, तथा पार्श्व क्रम में तुल्य प्रतिरोध इक्वल आर पी है, तो आर एस इक्वल आर ए प्लस आर पी सॉरी आर बी इक्वल 24 ओम प्लस 24 ओम इक्वल 48 ओम। ये हमारा किसके लिए तुल्य प्रतिरोध निकाला है हमने, समांतर क्रम के लिए, एवं
पार्श्वक्रम के लिए तुल्य प्रतिरोध वन अपॉन आर पी इक्वल वन अपॉन आर ए प्लस वन अपॉन आर बी, तो ये हमारा निकल आएगा वन अपॉन ट्वेंटी फोर प्लस वन अपॉन ट्वेंटी फोर इक्वल टू अपॉन ट्वेंटी फोर इक्वल वन अपॉन ट्वेंटी फोर। तो जो हमारा वन अपॉन आर पी का मान निकला था वो हमारा आ जाएगा ट्वेंटी फोर वन अपॉन ट्वेंटी फोर। तो आर पी का मान हमारा 12 ओम हमको प्राप्त हुआ। अब अतः धारा आई वन इज इक्वल टू वी अपॉन आर इक्वल 220 वोल्ट अपॉन 24 इक्वल 9.2 एम्पेयर, यहाँ मान हमारे लगभग में है, आप चाहें तो एक्यूरेट निकाल सकते हैं। आई टू के लिए वी अपॉन आर टू वी अपॉन आर एस इक्वल 220 अपॉन 48 इक्वल 4.6 एम्पेयर, ये भी हमारी लगभग प्राप्त हुई है हमको। एंड आई थ्री के लिए वी अपॉन आर पी इक्वल 220 अपॉन 12 इज इक्वल टू 18.3 लगभग, अतः अभिष्ट धाराएं क्रमशः 9.2 एम्पेयर 4.6 एम्पेयर एवं 18.3 एम्पेयर प्राप्त होंगी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित परिपथों में प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्तियों की तुलना कीजिए। इसका पहला भाग है क्वेश्चन का, 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित 1 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम संयोजन। सेकंड पार्ट इसका है 4 वोल्ट बैटरी से संयोजित 12 ओम तथा 2 ओम का पार्श्वक्रम संयोजन, सबके लिए हमको उपभुक्त शक्ति की तुलना करनी है। क्वेश्चन नंबर 14 का हम फर्स्ट पार्ट देखेंगे। पहले फर्स्ट पार्ट के लिए क्वेश्चन में दिया हुआ V इज इक्वल टू 6 वोल्ट, R1 इक्वल 1 ओम एवं R2 इक्वल 2 ओम, और प्रश्न में दिया हुआ है कि हमको पहले वाले पोर्शन के लिए हमको कौन सा क्रम लेना है, श्रेणी क्रम संयोजन माना। श्रेणी क्रम संयोजन में जो तुल्य प्रतिरोध है आर एस है, यहाँ पर हमने एस लिया हुआ है, इसमें वो श्रेणी क्रम संयोजन के लिए लिया हुआ है। आर एस इक्वल आर वन प्लस आर टू, तो ये हमको मिला वन इक्वल वन ओम प्लस टू ओम इक्वल थ्री ओम। अब इसके लिए हम धारा निकालेंगे I इक्वल V अपॉन आर एस, तो V का मान हमारा है 6 वोल्ट और आर एस का मान हमने यहाँ पर निकाला था 3 ओम, तो इसके अनुसार हमको यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन के लिए 2 एम्पेयर विद्युत धारा हमको प्राप्त होगी। तो 2 ओम प्रतिरोध वाले
प्रतिरोधक द्वारा उपभुक्त शक्ति P1 इक्वल I² R2। तो यह जो हमारा I का मान था, यहाँ पर हम सबके मान रख देते हैं 2² × 2 ओम इक्वल 8 वाट। जो पहला पोर्शन था क्वेश्चन का, उसके लिए हमारी जो शक्ति है, उपभुक्त शक्ति, उसका मान 8 वाट है। अब सेकंड पोर्शन के लिए V का मान 4 वोल्ट था, R1 का मान 22 ओम था, R1 का मान 12 ओम था और R2 का मान 2 ओम था। अब इसको पार्श्व क्रम में जोड़ना है हमको, क्रम में 2 ओम प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर V = 4 वोल्ट है। तो P2 सेकेंड पार्ट के लिए शक्ति देख रहे हैं हम, इसलिए इसको P2 नाम दिया है। P2 इक्वल V² R, जहाँ पर V² माने V का मान हमारा यहाँ पर 4 वोल्ट है, तो 4² / 2 करा हमने, ये मिला हमको 16/2। तो इसको काटेंगे तो हमको मिलेगा इक्वल 8 वॉट। अतः अभिष्ट शक्ति क्रमशः 8 वॉट एवं पहले के लिए भी 8 वॉट और दूसरे के लिए भी 8 वॉट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। दो विद्युत लैंप जिनमें से एक का अनुमतांक 100 वॉट और 220 वोल्ट है तथा दूसरे का 60 वॉट और 220 वोल्ट है, विद्युत मेंस के साथ पार्श्व क्रम में संयोजित हैं। यदि विद्युत आपूर्ति की वोल्टता 220 वोल्ट है तो विद्युत मेंस से कितनी धारा ली जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है P1 इक्वल 100 वॉट, P2 इक्वल 60 वॉट। अब पार्श्व क्रम में कुल शक्ति मेंस से जोड़ रहे हैं हम, घर में जो भी जोड़ते हैं हम किस क्रम में जोड़ते हैं, पार्श्व क्रम में। P = P1 + P2, तो P का मान हो जाएगा 100 वॉट + 60 वॉट, तो P = 160 वॉट। चूंकि P = V × I, तो 160 = V का मान है 220 × I, तो I का मान हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 160/220 = 8/11 = 0.73 एम्पेयर। अतः अभिष्ट धारा की मात्रा = 0.73 एम्पेयर।
क्वेश्चन नंबर 16, किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा उपभुक्त होती है? 250 वाट का एक टीवी सेट जो 1 घंटे तक चलाया जाता है, अथवा 120 वाट का विद्युत हीटर जो 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है टीवी सेट के लिए P1 इक्वल 250 वाट, समय T1 इक्वल 1 आवर एवं हीटर के लिए P2 इक्वल 120 वाट और T2 अर्थात समय हीटर के लिए 10 मिनट इक्वल 1/6 और अब टीवी में उपभुक्त ऊर्जा P1 इक्वल सॉरी उपभुक्त ऊर्जा P1 इंटू T1 इज इक्वल टू 250 वॉट इंटू 1 आवर इक्वल 250 Wh वाट प्रति घंटा। अब हीटर के लिए उपभुक्त ऊर्जा P2 इंटू T2 इक्वल 120 वाट इंटू 1/6 आवर्स, तो हमको मिलेगा, इसको काटेंगे तो 20 Wh। अतः टीवी में अधिक ऊर्जा उपभुक्त होगी 250 Wh 1 घंटे में। क्वेश्चन नंबर 17, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर विद्युत मेंस से 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा लेता है, हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर परिकलित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है R इक्वल 8 ओम, I इक्वल 15 एम्पेयर, T टाइम इक्वल 2 आवर्स। अब उत्पन्न ऊर्जा की दर बराबर शक्ति बराबर I² R, जहां I हमारा 15 है, स्क्वायर इंटू R का मान 8 है, तो हमको P का मान मिल जाएगा 225 इंटू 8 इक्वल 1800 वाट अर्थात 1800 जूल पर सेकेंड। अतः अभिष्ट उत्पन्न ऊर्जा की दर बराबर 1800 वाट अर्थात 1800 जूल पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट है, विद्युत लैंपों के तंतुओं के निर्माण में प्रायः एकमात्र टंगस्टन का उपयोग क्यों किया जाता है?
आंसर, टंगस्टन धातु का गलनांक और प्रतिरोधकता बहुत ही उच्च होती है। यह उच्च ताप पर आसानी से नहीं जलता, यह उच्च ताप पर चमकने लगता है, इसलिए विद्युत लैंपों में तंतुओं के निर्माण में टंगस्टन का ही उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सेकंड पार्ट, विद्युत तापन युक्तियों जैसे ब्रेड टोस्टर तथा विद्युत इस्त्री के चालक शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्रातुओं के ही क्यों बनाए जाते हैं? उत्तर, मिश्रातु की प्रतिरोधकता किसी शुद्ध धातु की प्रतिरोधकता से अधिक होती है तथा यह अधिक मात्रा में ऊष्मा का उत्पादन करती हैं, इसलिए शुद्ध धातुओं के स्थान पर मिश्रातुओं के ही बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का सी, घरेलू विद्युत परिपथों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग क्यों नहीं किया जाता है? आंसर, श्रेणी क्रम संयोजन में विभव बट जाता है, अतः श्रेणी क्रम परिपथ में जुड़े हर उपकरण को समान विभव नहीं मिल पाता, अर्थात सभी उपकरणों को कम विभव की धारा मिलती है और उपकरण गर्म हो जाते हैं, इसलिए घरेलू परिपथ में श्रेणी क्रम संयोजन का प्रयोग नहीं किया जाता है। नेक्स्ट, किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन के साथ किस प्रकार परिवर्तित होता है? किसी तार का प्रतिरोध उसकी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्षेत्रफल बढ़ाने पर प्रतिरोध घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों का प्रयोग क्यों किया जाता है? कॉपर तथा एल्यूमिनियम के तारों की प्रतिरोधकता कम होती है तथा ये विद्युत के अच्छे चालक होते हैं, इसलिए विद्युत संचरण के लिए प्रायः कॉपर व एल्यूमिनियम का ही उपयोग किया जाता है। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपके लिए यूज़फुल भी रहा होगा। और आपको यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।